दोस्तों आज तोशिबा ब्रांड ने उनके L50, U50, U79 टीवी सीरीज को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे U50 सीरीज के बारे में, जहां पर मैं 43 इंच वेरिएंट को अनबॉक्स करके उसको डिटेल में रिव्यू करेंगे और वीडियो के एंड में दूंगा मेरा फाइनल कंक्लूजन, जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको टीवी लेनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो होने वाला बहुत ही धमाल और कमाल, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टंटना शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों ये है तोशिबा U50 का बॉक्स और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं तोशिबा की ब्रांडिंग दी गई है। डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करती है। वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाली टीवी है। 43 U50 मॉडल नंबर से नीचे कुछ इसके फीचर्स दिए गए हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बहुत ही जल्दी। इसके बाद ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे लिखा गया है डिजाइन इन जापान एंड मेड इन इंडिया, मतलब ये टीवी मैन्युफैक्चर की गई है इंडिया में। नाउ इट्स टाइम टू अनबॉक्स। बॉक्स में आपको एक यूजर मैनुअल देखने मिल जाएगा, उसी के साथ ही साथ एक 1 ईयर वारंटी कार्ड, कुछ स्क्रूज टेबल टॉप स्टैंड के लिए, एक स्मार्ट रिमोट और उस रिमोट के लिए कुछ बैटरीज, AAA बैटरीज, और यहाँ पे टेबल टॉप स्टैंड जो कि दिए गए हैं मेटल के और उसकी फिनिशिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। और उसके बाद यहाँ पे वॉल माउंट हमें मिल जाता है बॉक्स कॉन्टेंट। तो जैसे आप टीवी को स्विच ऑन करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस देखने मिल जाता है और यहाँ पे ये टीवी आती है वेडा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है तोशिबा की तरफ से। ये प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है तोशिबा का और ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिमिलर टू लिनक्स बेस्ड जैसा ही है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ यहाँ पे पॉपुलर कंटेंट प्रोवाइडर लिस्टेड है होम स्क्रीन पे जो ऑलरेडी आते हैं इस टीवी में प्री इंस्टॉल्ड, जैसे कि प्राइम वीडियो, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हंगामा प्ले, ये सारे ऐप्स आपको इस टीवी में प्री इंस्टॉल देखने मिल जाते हैं। और आप यहाँ पे चेक कर लेते हैं इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी। ये टीवी आती है 4K रेजोल्यूशन के साथ, डॉल्बी विजन का सपोर्ट दिया गया है, तो अब देख लेते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी, कलर काफी नेचुरल और रिच देखने मिल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने इस टीवी में SD कंटेंट प्ले किया हुआ इस वक्त और आप लोग देख सकते हो पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी तरह से दिख रही है। और यहाँ पे आप एक अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि 4K रेजोल्यूशन होने के बावजूद भी इस टीवी की अपस्केलिंग बहुत ही बढ़िया है। बात कर ले कुछ सेटिंग्स के बारे में, तो यहाँ पे पिक्चर सेटिंग्स में आपको पिक्चर मोड देखने मिल जाएंगे 2-5 टाइप के टोटल इसमें, जैसे डायनेमिक यहाँ बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, इसी के साथ साथ सिनेमा नाइट, सिनेमा डे और स्टैंडर्ड। तो मुझे स्टैंडर्ड और जो डायनेमिक पिक्चर मोड है बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। इसी के साथ ही साथ कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं पिक्चर मोड सेटिंग्स के अंदर, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको बैकलाइट का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, जहाँ पे करंटली मैंने हाई पे सेलेक्ट किया है और आप लोग देख सकते हो पिक्चर क्वालिटी कैसी है। इसी के साथ ये लो और ऑफ का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे नीचे इस पिक्चर क्वालिटी को सेट करने के लिए आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जैसे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर सैचुरेशन, शार्पनेस, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इस टीवी में। और बात करें टीवी के डिस्प्ले और पैनल के बारे में, तो ये टीवी आती है VA पैनल के साथ, डायरेक्ट LED बैकलाइटिंग सोर्स दी गई है। और बात करें पिक्चर इंजन के बारे में, तो यहाँ पे प्रोप्राइटरी तोशिबा का पिक्चर इंजन यूज़ किया गया है, जिसका नाम है CV4K इंजन। और यहाँ पे इस टीवी में डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, HDR10 और HLG का भी सपोर्ट आपको इस टीवी में देखने मिल जाएगा। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे AMR जैसी टेक्नोलॉजी यूज़ की, जो आपको फास्ट मूविंग सीन्स होते हैं वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प करेगी, स्क्रीन ब्लर नहीं होगा और काफ़ी स्मूथ ट्रांजिशन या स्क्रीन आपको देखने मिलेगा। पिक्चर क्वालिटी में आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारे फीचर्स के साथ आने वाली टीवी है। इसी के साथ ही साथ आपको यहाँ पे कलर रीमास्टर एक टेक्नोलॉजी दे रही है तोशिबा की तरफ से, जिसमें आपको जो कलर्स है काफ़ी नेचुरल और रिच देखने मिलेंगे, पिक्चर क्वालिटी काफ़ी विविड होगी इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। और जब हम बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे उनके अल्ट्रा डिमिंग फीचर को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। इस टीवी में आपको अल्ट्रा डिमिंग फीचर देखने मिल जाएगा, जिसमें जो व्हाइट वाले सीन होंगे काफ़ी ब्राइट देखने मिलेंगे और जो ब्लैक सीन होंगे काफ़ी डार्क देखने मिलेंगे इस अल्ट्रा डिमिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसी के साथ ही साथ आपको कॉन्ट्रास्ट को इन्हांस करने के लिए यहाँ पे तोशिबा यूज़ करा है सुपर कॉन्ट्रास्ट इन्हांसर, जिसके थ्रू
कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको बहुत ही अच्छा देखने मिलेगा इस टीवी में। तो दोस्तों ये सारी बातें होगी पिक्चर क्वालिटी के बारे में। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑडियो आउटपुट के बारे में। तो इस टीवी में आपको 24 वाट के साउंड आउटपुट देखने मिल जाएगा। इसी के साथ ही साथ आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट दिया गया है। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं कि इसकी ऑडियो कैसी है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको मिल रहा है या नहीं, तो वो सब चेक कर लेते हैं इस टीवी में। तो दोस्तों हम सभी ने सुना कि साउंड कैसा है इस टीवी का। तो जहां तक मैंने पर्सनली इसको एक्सपीरियंस किया, मुझे साउंड आउटपुट बहुत ही अच्छा लगा। डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट आपको बहुत ही अच्छी तरह से मतलब एक्सपीरियंस करने को मिलेगा इस टीवी में, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। और अब यहां पे आगे बढ़ते हुए और बात करते हैं स्मार्ट फीचर्स के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है मतलब एक इंडियन कस्टमर के लिए। उसको क्या क्या स्मार्ट कैपेबिलिटी इस टीवी में देखने मिल जाएंगी। तो इस टीवी में आपको वॉइस एनेबल रिमोट दिया गया है, एलेक्सा का सपोर्ट आपको इनबिल्ट देखने मिल जाएगा इस टीवी में। एलेक्सा ओपन यूट्यूब, गेटिंग यूट्यूब फ्रॉम विडा वॉइस। एलेक्सा व्हाट इज द करंट टाइम इन इंडिया? इन इंडिया इट्स 11:58 PM। एलेक्सा व्हाट इज द करंट वेदर इन दिल्ली? करंटली In Delhi, it's 30 degrees Celsius with mostly clear sky. इसी के साथ ही साथ ब्लूटूथ 5.0 दिया गया है, जिसके थ्रू जो भी ब्लूटूथ अनेबल डिवाइसेस है उसको आप कनेक्ट कर सकते हो इस टीवी में। इसी के साथ ही साथ डुअल बैंड वाईफाई दिया गया है, तो कनेक्टिविटी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप टीवी से इंटरनेट को कनेक्ट कर रहे हो और जितने भी कंटेंट प्रोवाइडर है वो बहुत ही अच्छे तरह से देख सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, और कोई भी कनेक्टिविटी का इशू नहीं आएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। इसी के साथ ही साथ आपको स्क्रीन मिररिंग का भी फीचर देखने मिल जाएगा इस टीवी में, जिस के थ्रू आप फोन को मिरर कर पाओगे टीवी में और जो भी एक्टिविटी आप फोन में परफॉर्म कर रहे हो वो सब कुछ देख पाओगे इस टीवी में। सो स्क्रीन मिररिंग के लिए यहाँ पर मेरे पास फोन है जो सेम नेटवर्क से कनेक्टेड, मतलब फोन और टीवी सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है। और यहाँ पे मैं जाता हूँ होम पे और यहाँ पे इनपुट में जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन दिया गया है, उसको जस्ट प्रेस करना है और बस यहाँ पे स्मार्ट टीवी जो टीवी का नाम है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे फोन हो गया कनेक्ट टीवी से और यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक दिखाता हूँ, तो कोई ऐसा लैग तो नहीं लग रहा है मुझे, एकदम स्मूथ है। यहाँ पे जैसे मैं एक्टिविटी कुछ कर रहा हूँ वहाँ पे स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है ऑन द स्पॉट, सो नो लैग नथिंग वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल में आप पहली बार तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी। और दोस्तों बात करें इस टीवी के डिजाइन के बारे में, तो ये टीवी आती है बेजललेस डिजाइन के साथ और पीछे प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया है बैक साइड में, और नीचे की तरफ आप देख सकते हो कॉर्नर में तोशिबा की ब्रांडिंग दी गई है, और नीचे की साइड ही हल्का सा आपको बेजल देखने मिलेगा, बाकी तीनों साइड आपको बेजललेस डिज़ाइन देखने मिल जाएगी। मेटल के टेबल टॉप स्टैंड दिए गए हैं, जिससे ये जो लुक है बहुत ही प्रीमियम लगता है इस टीवी का। बात करें टीवी के पोर्ट्स के बारे में, तो इस टीवी में आपको 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट देखने मिल जाएंगे। जो HDMI पोर्ट का वर्जन है 2.0 कंप्लाइंट आपको देखने मिल जाएगा, और उसमें से एक पोर्ट जो है आर पोर्ट है, जिसके थ्रू आप होम थिएटर या साउंड बार वगैरह आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ ही आपको SPDF का पोर्ट देखने मिल जाएगा, ईथरनेट का पोर्ट देखने मिल जाएगा, 3.5 mm का जैक दिया गया, ऑडियो वीडियो का पोर्ट दिया गया। तो जितने भी रिक्वायर्ड पोर्ट होते हैं एक टीवी में वो सारे के सारे पोर्ट आपको इस टीवी में देखने मिल जाएंगे। बात करें इस टीवी के रिमोट के बारे में, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का स्टैंडर्ड रिमोट दिया गया है, जिसमें डेडिकेटेड कीज देखने मिल जाएगी नेटफ्लिक्स यूट्यूब और प्राइम वीडियो की। इसी के साथ ही मीडिया का भी आपको एक डेडिकेटेड की दिया गया इस रिमोट में। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि वॉइस एनेबल रिमोट तो है ही है, तो यहाँ पे आपको वॉइस का बटन दिया गया है डेडिकेटेड। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ 1, 2, 3, 4 जैसे बेसिकली टीवी के चैनल्स होते हैं, उसको नेविगेट करने के लिए आपको डेडिकेटेड कीज इसमें दिए गए हैं नंबर्स के। और अब बात करें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, भाई इस टीवी की प्राइसिंग कितनी है। तो इस टीवी को आप खरीद सकते हो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, रिलायंस डिजिटल, टाटा क्लिक, ये सारे वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, यहाँ से आप परचेस कर सकते हो। और इस टीवी की प्राइसिंग की बात करें, तो ये टीवी U50 43 इंच का जो आप देख रहे हो, इसकी प्राइसिंग आपको निकल के आती है 27,990 रुपीस। और इसमें यहाँ पे आपको और भी वेरिएंट्स दिखने मिल जाएंगे U50 में, जो है 50 इंच का और दूसरा है 55 इंच का, उसकी प्राइसिंग आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसी के साथ ही बात करें यहाँ पे कुछ ऑफर्स के बारे में, तोशिबा ब्रांड ने रखा हुआ है लॉन्च ऑफर में, जहाँ पे 18 तारीख से लेके 21 तारीख के बीच में अगर आप टीवी लेते हो तो आपको इस टीवी पे
तीन साल की एक्स्ट्रा वारंटी मिलती है पैनल पे, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर आप टीवी लेने का प्लान करो तो आप जरूर इस ड्यूरेशन में लीजिए और इस ऑफर का पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि पैनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टीवी। अगर वो खराब हो जाए तो उस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है, तो इस टीवी इसको अवॉइड करने के लिए आपको, अगर आप प्लान करो इस टीवी को लेने का, तो इस ड्यूरेशन में ही लीजिए, आपको बहुत बढ़िया ऑफर मिल रहा है। उसके बाद अगर आप टीवी लोगे तो आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा, उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर की वारंटी इस टीवी में आपको देखने मिलेगी। और इसी के साथ ही तोशिबा ने और भी सीरीज लॉन्च की है, जिसमें L50, U50 तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, इसी के साथ ही U79 और सीरीज भी लॉन्च हो चुके हैं, तो उनकी प्राइसिंग वगैरह भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस टीवी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, तो शुरुआत करते हैं प्रोज से। तो प्रोज में जहां पे मुझे सबसे अच्छी चीज लगी इस टीवी की, डिजाइन और लुक्स बहुत ही अच्छे लगे। इसी के साथ ही सेकंड पॉइंट मैं कहना चाहूंगा प्रोज में पिक्चर क्वालिटी भी इस टीवी की काफी अच्छी है। और बात करें इस टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो एक एडिशनल प्रोज कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बूटिंग सिस्टम है, बूटअप होने में बहुत ही कम टाइम लेता है, काफी फास्ट और काफी स्मूथ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये टीवी आ रही है। इसी के साथ ही साथ एक और प्रोज होगा इस टीवी का कि ऑडियो भी इस टीवी का काफी अच्छा है, 24 वॉट का साउंड आउटपुट है, प्लस डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो ये सारी बातें हो गई प्रोज के बारे में। अब यहाँ पे आगे बढ़ते और बात करते इस टीवी के कॉन्स के बारे में, तो यहाँ पे सबसे मेजर कॉन्स इस टीवी का लगा मुझे इसके लिमिटेशन एप्स, मतलब बहुत ही लिमिटेड एप्स आपको इस टीवी में देखने मिलेंगे। और यहाँ पे एक मोस्ट पॉपुलर ऐप है जो डिज्नी हॉटस्टार, वो आपको इस टीवी में अभी देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफी लोग का फेवरेट ऐप है, तो वो इस टीवी में आपको नहीं मिलेगा। ब्रांड का कहना है कि आने वाले टाइम में, मतलब 2021 में मार्च के महीने तक, मतलब जनवरी से लेकर मार्च के महीने में शायद आपको ये अपडेट के थ्रू आपको ये ऐप भी मिल जाए, लेकिन फिलहाल अभी इस टीवी में अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ ही दूसरा कौन होगा इस टीवी का कि इस टीवी में आपको कोई भी ऐप साइड लोड नहीं कर पाओगे, हालांकि आपको ये सब फीचर साइड लोड वगैरह एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप साइड लोड नहीं कर पाओगे। ये इस टीवी का दूसरा कौन हो गया। और इस टीवी का तीसरा कौन काफी सब्जेक्टिव है, अगर आप टीवी सामने से बैठ के देखने वाले तब तो कोई भी टेंशन नहीं, ये कौन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अगर आपका रूम बड़ा है और आप साइड से टीवी भी लोग देखने वाले हैं, तो उस समय आपको व्यू एंगल्स में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें हो गई इस टीवी के बारे में। बाकी आप मुझे बताइए कि आपको क्या कैसा लगा टीवी, क्या आपके थॉट्स है, सुझाव राय जो भी हो जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को जुड़ जाइए, और हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय बाय।